ऐसे मतलब स्टॉल टाइप का था, टपरा टाइप का, जहाँ पर तो लाइन हम लोगों की डेली वाली भाई वहां से जा रही है। लेकिन ये देखो पिलर दिख रहा है ना, इतना ज्यादा फॉग है कि अब थोड़ा सा जो इमोशंस होते हैं ना वो जुड़े हुए थे। अपना इल्लू भाई क्या शानदार लग रहा है, कुछ तो बचे नैरो गेज के नाम पर यहाँ पर। लेकिन तो आपको जैसे कि पता ही होगा भाई, पहले ग्वालियर से एक नैरो गेज लाइन ऑपरेट होती थी, जो कि ग्वालियर से श्योपुर के बीच एक नैरो गेज ट्रेन भी चला करती थी। और इन ईयर 2020 उस रूट को, उस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर गेज कन्वर्जन का काम होना था। पहले चलती थी नैरो गेज और अभी फिलहाल ऑपरेट हो रहा है ये जो रूट है ना, ब्रॉड गेज लाइन के साथ। और 2020 में हमने बताया आपको कि ये रूट हमेशा के लिए बंद हो गया था, और रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इस रूट का पहला फेज कंप्लीट हुआ गेज कन्वर्जन के बाद, और एक स्पेशल ट्रेन भी इस रूट पे चलाई गई। तो आज उसी स्पेशल ट्रेन में हम लोग जर्नी करने वाले हैं ग्वालियर से, जो कि गेज कन्वर्जन के बाद ये रूट भाई पहली बार एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये यात्रा होने वाली है। इतिहास की कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, पुरानी जो चीज़ें हैं, और वैसे काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं भाई इस ट्रेन से, इस नैरो गेज ट्रेन की लाइन से। तो वो सारी चीज़ें जर्नी में आगे बताएंगे। और आज जिस ट्रेन में जर्नी होने वाली है, उस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 01893, ग्वालियर सुमावली स्पेशल MEMU ट्रेन। तो चलो भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन, शुरू करते हैं इस यात्रा को ग्वालियर जंक्शन से। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं H5 व्लॉग्स। तो अभी सुबह का बज रहा है लगभग 6:35 और अपनी स्पेशल MEMU ट्रेन भी आ चुकी है ग्वालियर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो बस भाई कुछ ही देर में होने वाला है सनराइज, और बाकी ये आ चुकी है अपनी ट्रेन। चलो अंदर चलते हैं, फिलहाल तो खाली पड़ी हुई है। और ये है इंटीरियर, जैसा अपना लोकल ट्रेनों में होता है लगभग वैसा ही कुछ, बट यहाँ पर बैठने वगैरह की सीट्स की फैसिलिटी बढ़िया आपको दी गई है। साथ में यहाँ पर लगेज स्पेस है, फैंस वगैरह, लाइट्स, और यहाँ पर हैंडल्स हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर तो कुछ ऐसा है अपनी इस MEMU ट्रेन का। और यहाँ पर एक पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी लगा हुआ है अभी फिलहाल दिख रहा है इस पर ग्वालियर जंक्शन। यहाँ पर स्टेशन वगैरह भी शो होंगे जर्नी के दौरान। तो अपने एकदम निर्धारित समय 7 अपना डिपार्चर हो चुका है भाई ग्वालियर जंक्शन से। वैसे ये ऑटोमेटिक डोर्स नहीं है, ये स्लाइडिंग डोर है, वो अभी जस्ट ट्रेन चली ना तो उसकी वजह से क्लोज होने लग गया। ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अपनी MEMU ट्रेन को। तो अपनी ट्रेन ऑन टाइम निकल चुकी है ग्वालियर जंक्शन से। इस ट्रेन का वो आपको टाइमिंग्स एंड शेड्यूल बता दें, तो डेली सुबह 7 निकलती है ग्वालियर जंक्शन से और 8:10 में पहुंचा देती है हम लोगों को सुमावली रेलवे स्टेशन। और बाकी इस ट्रेन के आपको 3 फेरे दिन में मिल जाएंगे, 3 राउंड मारती है इस साइड से भी उस साइड से भी। तो वो टाइमिंग्स आप ऑनलाइन देख लेना भाई, सबका एक साथ हम नहीं बता सकते, इतना याद ही नहीं होता। फिलहाल भाई मौसम देख रहे हैं हम तो, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है आज, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, हल्का हल्का कोहरा है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी अपनी ट्रेन पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतना शॉर्ट रूट हैगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई साहब पैरेलल ओवरटेक हो गया यहाँ पर। वैसे ये जो मालगाड़ी थी ये थी न्यू दिल्ली वाली लाइन पर, और हम लोग यहाँ पर अपनी 3rd लाइन पर चल रहे थे, इस वजह से यहाँ पर पैरेलल ओवरटेक हो गया अपनी ट्रेन का। ये देखो अभी हम लोग लूप लाइन पर जाने लग रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पहला हॉल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर काफ़ी काम हो गया है ट्रिपल लाइन का, इसलिए लाइन्स चालू है। तो अभी आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे बिरला नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग लाइन्स आती है, एक तो ग्वालियर से आती है, एक दिल्ली को जाती है, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है कहाँ के लिए,
भाई इटावा वाली लाइन, भिंड इटावा वाली लाइन एक अलग हो जाती है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र एक मिनट का हॉल्ट है। और ये जो रेलवे स्टेशन है इसके संग काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं भाई, क्योंकि मतलब कई बार ऐसा होता था जब मूड ख़राब होता था, जब हम ग्वालियर में ही रहते थे तो यहाँ पर स्टेशन पर घंटों घंटों बैठे हैं। बस हॉन्किंग हो गई, हॉन्किंग हो गई, सिग्नल हो गया अपना यहाँ से निकलने के लिए। बाकी इस रेलवे स्टेशन से हम बता रहे थे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। सामने वहाँ पर एक ऐसा मतलब स्टॉल टाइप का था, टपरा टाइप का, जहाँ पर चाय समोसा मिलता था। तो वहीं पर खड़े होकर हम चाय समोसा यही खाते पीते रहते थे और बस स्टेशन पे ही पड़े रहते थे, समझो एक हिसाब से दो दो तीन तीन घंटे। और काफ़ी टाइम बाद इस रेलवे स्टेशन पे हम रुके हैं। मतलब वैसे तो ट्रेन्स निकलती रहती हैं, बट अभी एक चीज़ है कि यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जो लोग पहले से जानते हैं, जिन लोगों ने देखा है बहुत पहले भी इस स्टेशन को, जानते होंगे बहुत नीचा था प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी काफ़ी पूरा बना दिया गया है प्लेटफॉर्म। और ऊंचाई वगैरह एकदम जो स्टैंडर्ड ऊंचाई है वो दे दी गई है पूरे रेलवे स्टेशन को। तो भाई इस रेलवे स्टेशन के बारे में जो बातें थी आज, बहुत दिनों बाद मतलब ऐसा मौका मिला है जब हम आपके साथ शेयर कर पाए हैं। ऐसी भाई बहुत सारी यादें हैं ग्वालियर, मतलब नैरो गेज ट्रेन जो है जो बंद हो गई है उसके साथ भी काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से जो है ना रूट हम लोगों का थोड़ा सा अलग जाएगा, भिंड वाली लाइन अलग जाएगी, वो हम आपको दिखा देते हैं। वैसे भिंड वाली लाइन पे हमने शायद बहुत पहले एक बार ट्रैवल किया हुआ है, चैनल पे वीडियो आप देख सकते हो। शायद भिंड झांसी एक्सप्रेस एक चलती है उसमें, नहीं इटावा झांसी एक्सप्रेस चलती है उसमें हमने ट्रैवल किया हुआ है, तो वो वाला रूट भी आप देख सकते हो। काफ़ी पहले ही बहुत पहले मतलब ट्रैवल किया था, तब का वीडियो है वो चैनल पर। हेलो भाई, यहाँ से जो है लाइन अलग होना स्टार्ट हो गई है। वो जो वहाँ पर एक लाइन चली गई ना, वो चली गई अपनी भिंड वाली, पीछे की साइड आप देख रहे हो वो लाइन, वो जो जा रही है वो चली गई ग्वालियर से भिंड के लिए। और ये बगल में जो लाइन है ये है अपनी दिल्ली मेल लाइन, दिल्ली झांसी मेल लाइन। तो अभी तो कोहरा कम था, लेकिन जैसे ही सिटी के थोड़ा बाहर निकले तो उसके बाद देखो थोड़ा सा यहाँ पर कोहरा देखने को मिल रहा है। और ये लो वही मालगाड़ी जो हम लोग ओवरटेक मार के गई थी, इसके साथ वापस से पैरेलल, और लग रहा है अब अपन लोग इसको ओवरटेक मार देंगे यहाँ पर। क्या बात है भाई साहब, MEMU ट्रेन भी फुल रोल में है, पूरा तगड़ी व्यवस्था बिठा रखी है भाई। यही तो भाई मजे हैं इंडियन रेलवेज में, पैरेलल कोई भी किसी के संग भी कर देता है और कोई भी किसी को भी पछाड़ देता है, ये गेम है। WAG 5 ट्विन लगे हुए हैं भाई इसमें दो दो, और झांसी शेड के हैं ये दोनों ही लोकोमोटिव्स। तो भाई साहब उस साइड से एक ट्रेन की हो रही है क्रॉसिंग, ये देखो क्या पता कौन सी ट्रेन है, लेकिन गेम चल रहा है तगड़ा। अभी वापस से MEMU ट्रेन आ गई है गेम में, यहाँ पर स्पीड अप करते हुए। फाइनली अब हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं इस मालगाड़ी को। ये लो ओवरटेक सक्सेसफुल। तो अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है मध्य प्रदेश के रायरू रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र दो ही मिनट का हॉल्ट है। और छोटा सा ये रेलवे स्टेशन, याद रखिए प्लेटफॉर्म भी काफ़ी नीचे है, इसलिए भाई हम नीचे नहीं उतर रहे हैं, दो मिनट का हॉल्ट है, नीचे उतरना फिर चढ़ना, इसलिए यहीं से शूट कर रहे हैं। ये है रेलवे स्टेशन वैसे इस साइड से, और इस साइड से भी दिखा देते हैं आपको। ये लो वो वाली मालगाड़ी आ गई जिसके संग चल रहा था बढ़िया ज़ोरदार अपनी रेस। इसको अब यहाँ पर सिग्नल नहीं है, हम लोगों को तो मिलने ही वाला है, तो ये यहीं रह जाएगी और यहाँ इसको एक और ओवरटेक पड़ जाएगा।
और ये है रायरू रेलवे स्टेशन। वहाँ का बस जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ना, बस वही अच्छा बना हुआ है, बड़ा थोड़ा सा, ऊंचा भी है, बाकी सब ऐसे ही छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं नीचे नीचे। और ये लो भाई साहब, डिपार्चर होते ही हम लोगों ने वापस से ओवरटेक मार दिया इस मालगाड़ी को और रायरू रेलवे स्टेशन से अपनी MEMU ट्रेन निकल चुकी है अब। और आगे की साइड आप देख सकते हो फॉग बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से मतलब विजिबिलिटी है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है थोड़े आगे। अब फिर भी ये तो MEMU ट्रेन है, शॉर्ट डिस्टेंस है तो ईजिली हो जाएगा, ज़्यादा कुछ डिले नहीं होने वाला। बाकी जो मेन लाइन की ट्रेन्स हैं उनका डिले आप समझ सकते हो इसी वजह से है। और जैसे कि हमने बताया था यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, तो ये देखो नेक्स्ट हॉल्ट दिखा रहा है हम लोगों का न्यू बामोर रेलवे स्टेशन, न्यू बामोर गांव रेलवे स्टेशन। और फिलहाल तो पैसेंजर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं इस ट्रेन में, हम देख रहे हैं बहुत ही कम पैसेंजर्स हैं, मतलब अगर सीट्स के हिसाब से देखें तो पूरी पूरी सीटें खाली हैं, लोग आराम से सो भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीट्स की कमी नहीं पड़ रही है, पैसेंजर उतने नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर हम लोगों की लाइन एकदम अलग हो गई है, ये जो ट्रिपल लाइन है यहाँ पर चल रहे थे, अब हम लोग आ गए एक दूसरी लाइन पे, क्योंकि यहाँ से रूट अलग होगा अब हम लोगों का सुमावली के लिए। भाई साहब फॉग देखो, आगे का ट्रैक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है और इतनी विजिबिलिटी में अपनी ट्रेन चल रही है यहाँ पर, मतलब अब तो और तगड़ा, इतना तगड़ा फॉग हो गया है कि क्या ही बताएं भाई, कुछ नहीं दिख रहा है इधर। ये लो ये ट्रेन आ गई निकल के, कुछ पता ही नहीं लगा कि यहाँ से ट्रेन आ रही है, देखो आधी ट्रेन ही नहीं दिख रही है। ये जा रही है अपनी उत्कल एक्सप्रेस हरिद्वार से पुरी के लिए, योग नगरी ऋषिकेश पुरी। ये देखो ट्रेन जाके थोड़ा आगे जाके गायब ही हो गई, इतना तगड़ा फॉग है भाई साहब। और ये देखो हमने बताया था लाइन जैसे कि अलग होने वाली है, ये अपनी डेली वाली लाइन नीचे की साइड है और हम लोग थोड़ा सा एलिवेटेड ट्रैक्स पे आ गए हैं यहाँ पर, यहाँ से रूट अलग होना स्टार्ट हो गया है हम लोगों का सुमावली के लिए। ये जो लाइन है ये जाएगी दिल्ली के लिए, आगरा मथुरा होती हुई, और हम लोग जाएंगे सुमावली के लिए। तो लाइन हम लोगों की दिल्ली वाली भाई वहाँ से जा रही है, लेकिन ये देखो पिलर दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा फॉग है कि अब वो लाइन ही दिखना बंद हो गई। खैर यहाँ पर हम लोगों की ट्रेन का भी डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस वजह से वो ट्रैक चला गया सीधा, हम लोग हो गए राइट की साइड, लेफ्ट की साइड में कर्व पे, कुछ नहीं दिख रहा भाई, अब तो दूर का छोड़ो पास का कुछ नहीं दिख रहा है। भाई साहब इस ट्रेन में, जबकि MEMU ट्रेन है नॉर्मली, इसके अंदर भी अनाउंसमेंट की जाती है स्टेशंस के बारे में। ये देखो तो ये सही सिस्टम है यहाँ पर पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ साथ। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है न्यू बामोर गांव रेलवे स्टेशन। वैसे बामोर के नाम से एक और ये रेलवे स्टेशन था, जब नैरो गेज ट्रेन चलती थी ना वो छोटा सा एक रेलवे स्टेशन था, और वहां तक हमने ट्रेवल किया हुआ था नैरो गेज ट्रेन में, तो उसकी हम आपको कुछ झलक इसी वीडियो में दिखा देते हैं भाई कि कैसा था वो रेलवे स्टेशन। छोटा सा रेलवे स्टेशन, कुछ भी नहीं था, छोटी छोटी पटरियाँ और छोटी छोटी ट्रेनें चलती थी उस रूट पर, तो भाई वो तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट यहाँ भी सही है, अभी मतलब डेवलपमेंट के हिसाब से आप इस चीज़ को बुरा नहीं कर सकते, बट वही है कि एक थोड़ा सा जो इमोशंस होते हैं ना वो जुड़े हुए थे काफ़ी लोगों के, और काफ़ी लोग ट्रैवल करते थे, और ट्रेन के ऊपर भी ट्रैवल करने का वो परंपरा थी वो तो एकदम अब ज़ीरो हो गई, क्योंकि वैसे भी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स तो थे ही, बट अब यहाँ तो कर ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक लाइन है ये, अभी जितना ये सेक्शन ओपन हुआ है ना ये पूरा इलेक्ट्रिक लाइन है, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन। अभी यहाँ से जो हम लोगों का रूट अलग हो गया रायरू के बाद में,
और फिलहाल ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर ऊंचाई की कोई दिक्कत नहीं है, जो स्टैंडर्ड एक हाइट होती है ना रेलवे स्टेशन की वो मेंटेन की हुई है यहाँ पर। और आगे की साइड फॉग देखो, आधी तो ट्रेन नहीं दिख रही और यहाँ नीचे की साइड भी कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा एलिवेटेड है, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे है ये रेलवे स्टेशन, आगे कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा बस पहाड़ों मतलब बादलों में एकदम है अपनी ट्रेन। तो ये जो ब्रिज है ये संक नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज है और यहाँ पर ये देखो मोर वगैरह भी हैं, ये भी दिख रही है यहाँ पर। तो जैसे कि हम बता रहे थे ये रूट पहले नैरो गेज हुआ करता था, लेकिन वो जो लाइन थी ना वो अलग होकर जाती थी, मतलब वो ग्वालियर से स्टार्ट होती थी नैरो गेज वाली और घोसीपुरा होती हुई ऐसे ये बामौर वाली लाइन पर आती थी, मतलब बामौर से होके क्रॉस होती थी। बट ये जो लाइन अभी बिछाई गई है एकदम ही डिफरेंट मतलब जगह से आ रही है। तो यहाँ पर हमको बस यही लगता है भाई, एक सवाल है कि उस लाइन को हेरिटेज लाइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, मतलब ऐसा न्यूज़ में भी आया था कि होने वाला है बट वो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसको कर देना चाहिए, मतलब हेरिटेज सेक्शन कुछ किलोमीटर से 20-25 किलोमीटर का तो ओपन कर देना चाहिए ताकि भाई कुछ तो बचे नैरो गेज के नाम पर यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है इस चीज़ के ऊपर। और नैरो गेज से हमारी यादें भाई इसलिए भी जुड़ी हैं क्योंकि जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना तो मतलब पहला जो ट्रेन जर्नी का ब्लॉग हमने बनाया था वो नैरो गेज ट्रेन का ही बनाया था। आज भी चैनल पर है, आप देख सकते हो पहला हमारा जो प्रॉपर हमने ट्रेन ब्लॉग बनाया था वो वही था। तो जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी आज मतलब वहीं पर है, एक तरीके से वहीं वापस आए हैं, उसी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वो यादें ताज़ा हो गई आज। वो बाकी बिरला नगर स्टेशन की भी हमने बता दी थी, वो यादें मतलब उससे भी पुरानी है, ब्लॉगिंग से और पहले की बातें थी वो। तो भाई ये सारी चीज़ जुड़ी है। और बाकी ये जो ट्रेन है इसका हम फेयर बता देते हैं आपको, ग्वालियर से सुमावली का हमने कितना पे किया है। तो भाई जनरल का ही, जनरल कोच पूरी जो ट्रेन है ना पूरी जनरल कोच के साथ ही चलती है क्योंकि एमयूएमयू लोकल ट्रेन टाइप्स है, तो इसका जो फेयर है वो पड़ा है हमको 30 रुपये का ग्वालियर से सुमावली। डिस्टेंस है वही 36 किलोमीटर और ट्रेन लेती है अपना 1 घंटा 10 मिनट। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अंबिकेश्वर रेलवे स्टेशन। वैसे यहां पर हम लोग अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से आए हैं और शेड्यूल टाइम है यहां का अपनी ट्रेन का 7:48 का। और ये जो स्टेशन है पूरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा अभी यहां पर कंस्ट्रक्शन का, वहाँ देखो पूरे में काम ही चल रहा है, अच्छे से पूरा बना भी नहीं है और हाइट तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है ही क्योंकि कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इतने कोहरे और सर्दी के बाद फाइनली अभी सूर्य देवता भी प्रकट हो गए हैं, तो यहाँ पर अभी काफ़ी अच्छा वेदर देखने को मिलने वाला है कुछ ही देर में क्योंकि ठंड वैसे तो काफ़ी है ही, सुबह सुबह का टाइम है और ठंड भी ज़बरदस्त थी बट अभी मौसम सही होने वाला है। थोड़ी देर मुश्किल से 1 घंटे में यहाँ पर वेदर काफ़ी सही हो जाएगा और यहाँ पर पूरा सरसों के खेत हैं और चावल वगैरह हो गया उस सब का खेत है, तो भाई यहाँ पर खेती तो है ही चारों तरफ एकदम। नीचे रिवर तो फ्लो नहीं हो रही है, एकदम सूखा पड़ा है, लेकिन ये पत्यार रिवर के ऊपर बना हुआ रेलवे का ब्रिज है यहाँ पर, बट अभी फिलहाल पूरा सूखा हुआ है, कोई रिवर फ्लो नहीं हो रही है। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग फाइनली इस ट्रेन की डेस्टिनेशन, अपनी ये डेस्टिनेशन नहीं है, अपन को यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो ये जो रेलवे स्टेशन है सुमावली,
ठीक है चलो हम आपको दिखा देते हैं। बाकी अभी ये जो ट्रेन है लगभग 40 मिनट बाद वापस निकलेगी ग्वालियर के लिए, तो हम लोग भी इसी ट्रेन से वापस ग्वालियर निकलेंगे। और आज कुछ डिफरेंट ही प्लान्स है, ग्वालियर के बाद भी एक बेहतरीन रोड ट्रिप हम लोग करेंगे ग्वालियर से ही, तो वो सारी चीज़ें भी इसी ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। कुछ बेहतरीन कॉन्टेंट होने वाला है भाई आगे का भी। ये है फिलहाल रेलवे स्टेशन, और हाइट तो यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन की सही बनाई गई है एकदम ट्रेन के अकॉर्डिंग। और इधर खेत वगैरह हैं और बेहतरीन सनराइज़ हो रहा है, और व्यू तो आप देख ही रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर बैठने के लिए ऐसी ये सीट्स वगैरह भी अरेंज की हुई हैं, लगाई हुई हैं। अभी बाहर आए हैं रेलवे स्टेशन के, और बाहर से कुछ ऐसा लुक है इस रेलवे स्टेशन का, सुमावली रेलवे स्टेशन। ये खड़ी हुई है अपनी MMU ट्रेन, और एंटर होते ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरल टिकट काउंटर, तो यहाँ पर आप टिकट ले सकते हो। हमने टिकट ले लिया है वापस से अपना वही 30 रुपये का, और अब हम लोग जाएंगे वापस इसी ट्रेन से ग्वालियर जंक्शन। तो अपने एकदम निर्धारित समय 8:50 पे अपना डिपार्चर हो चुका है वापस से सुमावली से ग्वालियर जंक्शन के लिए। और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे सुबह के टाइम एक स्टॉल खोला हुआ था जहाँ पर चाय वगैरह पानी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल रही थी, तो सही है चाय पानी तो मिल ही जाएगा आपको, और स्नैक्स वगैरह पैकेट वाले आइटम्स। और अभी धूप निकल आई अच्छी, तो सर्दी भी उतनी नहीं लग रही अभी, ये सही है। वैसे ये जो पूरा रूट है ना, जो नैरो गेज ट्रेन चलती थी वो लगभग 200 किलोमीटर के रूट पे चलती थी ग्वालियर से श्योपुर के बीच, लेकिन अभी ये जो रूट है इसका फेज वन ही अभी स्टार्ट किया गया है, ऑपरेट हो रहा है फिलहाल 36 किलोमीटर का। बाकी ये जो पूरा रूट का काम है ना, ये गेज कन्वर्जन का, ये अगले साल मतलब 2025 मार्च तक होने के भाई प्रेडिक्शन है। बाकी इसका कॉस्ट आपको पता है पूरा कितना आया है गेज कन्वर्जन का, लगभग 3600 करोड़ 3600 करोड़ रुपये का खर्चा आया है भाई ये नैरो गेज से ब्रॉड गेज करने का इस रूट का। बाकी अभी फिलहाल ये देखो दिल्ली वाली लाइन आ गई है, और हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ ओवरटेक्स वगैरह हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारी ट्रेन्स भी लेट चल रही हैं। तो भाई साहब जिस चीज़ का इंतज़ार था वही होने वाला है, हाई स्पीड एक्शन। अभी पीछे से आ रही है लगभग 14 घंटे की देरी से चल रही तेलंगाना एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से हैदराबाद के बीच में चलती है, और वो पैरेलल ओवरटेक मारने वाली है। वो आ गई भाई साहब हम लोगों की तेलंगाना एक्सप्रेस। भाई साहब रेस तो जबरदस्त थी, पहले तेलंगाना एक्सप्रेस आगे भाग रही थी, अब अपनी MEMU स्पेशल तेलंगाना एक्सप्रेस को ओवरटेक करने को आ गई है, बिल्कुल समझो बहुत तगड़ा कंपटीशन दे रही है अपनी MEMU। पहले मालगाड़ी को पछाड़ा था और अब तेलंगाना एक्सप्रेस को। वाह भाई साहब वाह। ये लो भाई तेलंगाना एक्सप्रेस को पछाड़ दिया MEMU ने, अपना इल्लू भाई WAP-7। और तेलंगाना एक्सप्रेस तो आगे बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, बहुत पीछे हो गई है अभी फिलहाल तो। अब तेलंगाना एक्सप्रेस लगता है अपने बीस्ट मोड पे आ गई है भाई साहब, वापस से स्पीड अप करते हुए, और हम लोगों की यहाँ पर स्पीड डाउन हो रही है क्योंकि हॉल्ट आ रहा है हम लोगों का। अपना इल्लू भाई क्या शानदार लग रहा है। और ये लो फिर से एक बार तेलंगाना एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दिया यहाँ पर हम लोगों ने, वो देखो पीछे रह गया अपना इल्लू भाई।
तो यहाँ पर फाइनली अब तेलंगाना एक्सप्रेस आगे निकल गई है, क्योंकि बिरला नगर स्टेशन आ रहा है, बिरला नगर जंक्शन, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का तो हॉल्ट है लेकिन तेलंगाना एक्सप्रेस का नहीं है, इसलिए आगे निकल गई। लेकिन हमारी नज़र में तो भाई MEMU ही विनर है, क्योंकि इसको दो बार पछाड़ दिया और मालगाड़ी को भी पछाड़ा ही था हम लोगों ने दो बार। MEMU विनर है भाई आज की। अभी ग्वालियर जंक्शन हम पहुंच चुके हैं, टाइम से अपनी ट्रेन आ गई थी, अभी बाहर आए हैं। जैसे हमने बताया था एक रोड ट्रिप होने वाला है, तो अभी भाई हम लोग तीन चार दोस्त हैं, मतलब चार लोग हम लोग हैं, और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग, अभी जाएंगे चौरासी और उसके बाद माँ पीताम्बरा दतिया दर्शन करने के लिए। तो भाई हम तीन लोग हैं, अरुण, आकाश और अमन, हम तीन लोग जो है भाई, हम मतलब चार लोग हो गए टोटल, हम लोग जा रहे हैं भाई यहाँ से अभी पहले चौरासी, उसके बाद दतिया, माँ पीताम्बरा दतिया। वैसे हम लोग काफी टाइम से मिले नहीं भाई, करीब दो ढाई साल हो गए होंगे लगभग, है तो प्लान बना के चलो एक रोड ट्रिप करते हैं, बढ़िया घूमने चलते हैं और साथ में दर्शन भी हो जाएंगे, इससे बेहतर क्या होगा। हमने अमन को बोला था तो अमन ने बताया कि भैया विंगर बुक कर लेते हैं गाड़ी, तो विंगर हम लोगों ने हायर कर ली और इसी गाड़ी से अब हम लोग जा रहे हैं भाई काफी लंबे समय बाद एक बेहतरीन रोड ट्रिप पर। वैसे आज मौसम जो है काफ़ी सही है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, धूप वगैरह बढ़िया निकली हुई है, सुबह तो काफ़ी ठंड थी। और यहाँ पर हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो ग्वालियर से लगभग 20 किलोमीटर अपना पहला हॉल्ट है चौरासी हनुमान टेम्पल, जहाँ पर अभी हम लोग पहले चौरासी जाएंगे, हनुमान टेम्पल पर दर्शन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे दतिया के लिए। रांझ भैया आपने पहले साइड बुक की टाटा विंगर, क्यों भाई इसमें बार बार रोकना नहीं पड़ता इसको, 500 किलोमीटर तो जाती है एक बार फ्यूल डलाने पर। अच्छा अच्छा चलो सही है भाई, ये तो सही है यार, इस गाड़ी को क्या है कि अमन ने बताया था ये बुक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं, एक बार ट्रिप पे निकलो रुकने की, 500 किलोमीटर तक फ्यूल की टेंशन खत्म। सो भाई अभी फाइनली पहुंच चुके हैं चौरासी हनुमान टेंपल पर, और यहाँ पर अभी चलते हैं दर्शन वगैरह करते हैं, और नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं है सुबह से, हम तो ऐसे ही घूम रहे हैं, ये लोग करके आए होंगे मस्त घर से, हम तो बहुत सुबह सुबह आज निकले हुए थे, आपने देखा भाई झांसी से निकले और फिर सुबह ग्वालियर आए, उसके बाद ये जर्नी करी, उसके अभी यहाँ पर ऐसे ये रोड ट्रिप चल रहा है, अभी यहीं पर देखते हैं नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे। अभी फिलहाल ये है लोकेशन, वहाँ अपनी टाटा विंगर खड़ी हुई है और यहाँ पर मंदिर है बाहर, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिली आती हैं, फूल माला वगैरह, और यहाँ पर अपना पूरा ये रेस्टोरेंट वगैरह है, मतलब यहाँ पर खाने पीने का नाश्ता वगैरह मिल जाता है। चलो फटाफट यहाँ पर हाथ पैर धोते हैं, जूते वूते उतारते हैं और चलते हैं अंदर। तो अभी यहीं पर जो है प्रसाद ले लिया है, धूपबत्ती ले ली है, और जूते वूते उतारने का भाई ऐसा सीन है कि यहाँ भी उतार सकते हो बट कोई ले जाए कोई भरोसा नहीं, तो जिससे आप प्रसाद लो ना तो यहीं पर प्रसाद जिस काउंटर से लोगे इस दुकान से वहीं पर उतार दो उनके पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हर जगह होता है। प्रसाद ले लिया, फूल माला भी यहाँ मिल जाएगी। चलो चलते हैं अब सीधा अंदर दर्शन करने के लिए। तो अभी बस यहाँ पर दर्शन किए, उसके बाद अभी आ गए हैं यहाँ रेस्टोरेंट पे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करने। यहाँ पे कुल्लड़ वाली बेहतरीन चाय, हमने पहले भी ट्राई की हुई है यहाँ की, कुल्लड़ वाली चाय बढ़िया है, और समोसे और बेड़ई कैसा लगा भाई टेस्ट का? सही है, बढ़िया है, चलो सही है भाई। यहाँ का नाश्ता आप ट्राई कर सकते हो, हम भी खा रहे हैं, गर्मा गर्म है, फ्रेश है, और सब्जी और चटनी वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसके साथ भी आप खाना चाहो। तो ही बढ़िया, नाश्ता वगैरह सब हो गया और अब हम लोग वापस निकल गए हैं भाई यहाँ से, अभी हम लोग जा रहे हैं दतिया पीताम्बरा माता के दर्शन करने। वैसे काफ़ी दिन हो गए हम गए हुए भी नहीं है, तो सोचा चलो यहाँ भी चल लेंगे लगे हाथ। भैया एक बात पता चली है, इसका सस्पेंशन अच्छा है, ऊपर खड़ा सस्ता हुआ ना तो जर्नी सेफ रहेगी। सही है भाई, मतलब अमन ने सही गाड़ी अपन को रिकमेंड करी। वैसे नॉर्मली हम लोग बस वगैरह से भी जा सकते थे, लेकिन यार कोई है ना काफ़ी हेक्टिक हो जाता, और बस की जो यहाँ पर मतलब नॉर्मली दिन में जो बसेस चलती है इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहती है, इस चक्कर में ये गाड़ी ही कर ली कि भाई टेंशन नहीं, आराम से जा सकते हो। बाकी ये जो गाड़ी है ना इसमें सीट्स पे रिक्लाइनर वगैरह बहुत बढ़िया हो जाता है भाई, सीट देखो आप इतनी आराम से रिक्लाइन करके, वो काफ़ी कम्फर्टेबल है भाई,
यहाँ पर बैठ के आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, मतलब लंबी लंबी ट्रिप्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर साथ में आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है। और एक फीचर इस गाड़ी का हमको बहुत बढ़िया लगा, जैसे गर्मी वगैरह में भी ट्रैवल करते हैं ना, तो यहाँ पर जितने भी पैसेंजर हैं उन सभी के लिए यहाँ पर AC वेंट्स दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर दो पैसेंजर की सीट हो गई तो दो, सिंगल वाले के लिए सिंगल, मतलब हर सीट पे ऐसे AC वेंट्स दिए हुए हैं जिसमें कि गर्मियों में भी अगर लंबी ट्रिप है तो गर्मियों में भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस गाड़ी में। ये चीज़ तो बहुत सही है। और साथ ही चार्जिंग की भी फैसिलिटी दी है, जितने पैसेंजर उतने चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर डायरेक्ट आपको बस केबल लगानी है और मोबाइल आप इजीली चार्ज कर सकते हो। अमन, हाँ भाई, अगले महीने में फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना चाह रहा हूँ, तो कौन सी गाड़ी अच्छी आएगी? तो मेरे सजेस्ट के हिसाब से भाई आप टाटा विंगर लो, क्योंकि इसमें सिटिंग ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं, 9, 12, 13, 15, 21 के सिटिंग्स हैं और फैमिली ट्रिप के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। क्या बात है भाई, मतलब परिवार में कितने भी लोग हैं, विंगर है तो सब साथ साथ हैं। वैसे भी भाई जर्नी का मज़ा, ट्रिप का मज़ा साथ में ही आता है जब सात लोग, सब लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। ये तो फिर विंगर ही चीज़ कहेंगे हम। चलो भाई, अगली ट्रिप जो जा रहा है इसको ही करवा देना विंगर। बिल्कुल ठीक है, चलो भाई सही है। आगे अभी हम लोग चल रहे हैं तो अभी डबरा बाईपास पे है, तो भाई ये खड़ी अपनी टाटा विंगर यहीं लगा दी, यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। और सामने अपना माँ पीताम्बरा का टेम्पल दतिया हम लोग पहुँच चुके हैं, तो चलो फटाफट से चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। तो मंदिर के जस्ट बाहर ही गेट के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पर प्रसाद वगैरह ले सकते हो, तो अभी प्रसाद ले लिया है। और जैसे कि भाई हर मंदिर में हमने बताया वहाँ पर शूज़ रखने का था, तो यहीं से प्रसाद लिया, यहीं शूज़ वगैरह रख दिए हैं। और ये है मंदिर की एंट्री, चलो चलते हैं अंदर, करते हैं फटाफट दर्शन। तो ये मंदिर से दर्शन करके निकल आए हैं। बाकी मंदिर में अभी ये सीन है, पहले मोबाइल वगैरह ले जाओ, मतलब अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी, बट अभी ये कर दिया है कि गेट पर ही जमा कर लेते हैं और 5 रुपये का टोकन दे देते हैं, तो 5 रुपये दे के फ़ोन जमा बाहर पे हो जाता है, गेट पर ही जहाँ प्रसाद लिया था बस एंट्री पे ही फ़ोन वगैरह भी जमा हो जाता, पहले नहीं होता था, बट अभी ये नया प्रोसेस आ गया है यहाँ पर, तो फ़ोन वगैरह जमा करके गए थे इसलिए कुछ भी अंदर वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो भाई ये है दतिया का फ्लाईओवर, ये ऊपर से ब्रिज गया हुआ है, ये मेन हाईवे का। और अपनी अब गाड़ी को हम यहीं छोड़ रहे हैं, ये गाड़ी से अभी ये लोग जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं ये सब चले जाएंगे ग्वालियर, और हम जा रहे हैं यहाँ से झांसी। तो ये थी अपनी भाई टाटा विंगर और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाकी भाई सभी को बाय। तो अभी हम बस पकड़ के यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं झांसी के लिए। सामने बस ये देखो, ये बस खड़ी हुई है, इसी से निकल रहे हैं, मुश्किल से 25-27 किलोमीटर है, यहाँ से फटाफट पहुँच जाएंगे। वैसे ये जर्नी, ये कंटेंट आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, और इस पूरे ब्लॉग में आपको क्या सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है ये भी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए इंस्टाग्राम पे आ जाओ, यहाँ यूज़र आईडी है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।